Hey my loves, welcome back to my channel. I hope guys you all are doing extremely great. So guys, मैं आज कोई भी मेकअप वीडियो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये प्यारा सा मेकअप कर रखा है और ये मेकअप लुक इस वीडियो से पहले आ जाएगा, तो मेक श्योर आप उसे देख लीजिएगा. सो गाइज, मैं आज एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ. और ये जो ब्रांड है गाइज, बहुत ही वेल नोन ब्रांड है. आई थिंक इस ब्रांड का हर एक गर्ल्स के पास कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा. सो मैं जो वो ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ, वो ब्रांड है गाइस मेवलिन. मेवलिन ने अभी पाउच में लिपस्टिक न्यूली लॉन्च किया हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. अभी तक कोई भी ब्रांड ने इस तरीके से नहीं किया है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो मुझे लगा कि नहीं भाई, इससे ख़रीदना चाहिए. तो मैंने ये ख़रीदा और मुझे कुछ इस तरह के पैकेट में ये मिला था. तो मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ. मैंने ऑलरेडी इसे ओपन कर दिया था. तो इस तरह की मुझे 4 पाउच मिली है. तो जो कलर है बहुत ही प्यारे कलर है, मुझे सारे कलर पसंद आए हैं. तो इस तरह की पाउच में लिपस्टिक मिल जाती है. इस लिपस्टिक का नेम है गाइस सेंसेशनल लिक्विड मैट बाय कलर सेंसेशनल. और इसमें जो शेड है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 4 शेड मिले हैं. और जो शेड का नेम है वो है, इसका नेम है सॉफ्ट वाइन. फिर उसके बाद है स्ट्रिप इट ऑल, उसके बाद बेस्ट बेब, और जो सबसे लास्ट में है वो है बैरेट ऑल. आई थिंक ये बैरेट ऑल मेरे पास है. इसका जो पैकेजिंग मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. और एक चीज़ गाइज, आप इसे देखकर डर मत जाइएगा कि आपको ऐसे करके लगाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें आपको जो वॉन्ड है वो भी आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, कन्वीनियंट है. मुझे अच्छा लगा इसका पैकेजिंग, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली इसका पैकेजिंग है. और गाइस इसमें आपको 2 ml मिल जाता है. 2 ml मुझे बहुत ही कम लगा क्योंकि एक लिपस्टिक मुझे 99 rupees का पड़ा है और क्वांटिटी बहुत ही कम मिला है 2 ml. बट चलेगा क्योंकि मेवलिन जैसा ब्रांड आपको मिल रहा है, वो भी 99 rupees में, तो आई थिंक बेस्ट है. सो गाइस चलिए, सबसे पहले मैं इसका स्वाचेज आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसका फॉर्मुलेशन कैसा है, देन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो चलिए स्वाचेस की ओर बढ़ते हैं. सो गाइस सबसे पहले इसके प्लस पॉइंट की ओर जाते हैं कि मुझे इसमें क्या क्या अच्छा लगा और आप लोगों को इसे क्यों ख़रीदना चाहिए. सो आप इसका पैकेजिंग देख सकते हो कि बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली इसका पैकेजिंग है. इवन आप इसको इस तरीके से मोड़ के अपने पर्स वॉलेट कहीं भी डाल के ले जा सकते हो. तो पैकेजिंग एकदम मस्त वाला है और प्राइस भी एकदम पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि 99 rupees में आपको मिल जा रहा है मेवलिन जैसा ब्रांड. इसका एक लिपस्टिक 300 कुछ का है और मुझे ये चारों लिपस्टिक 365 rupees में मिला है, यानी एक लिपस्टिक
के दाम पर मुझे 4 लिपस्टिक मिले हैं जो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हैं। बिगनर्स और टीनेजर्स के लिए ये एकदम मस्त वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि टीनेजर्स के पास में उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट शेड ट्राई कर सके, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि एक के प्राइस में आपको 4 शेड ट्राई करने के लिए मिल रहा है। एक्चुअल में गाइज ये एक ट्रायल पैक है, जिनको अगर मतलब कि लिपस्टिक ख़रीदना है और वो कोई शेड को ट्राई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। और जो लोग डिफरेंट डिफरेंट शेड ट्राई करते रहते हैं, जैसे मैं करते रहती हूँ, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि पहले आप शेड ट्राई कर लो, उसके बाद उसका जो बिग वन है उसको आप ख़रीद सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें माइनस पॉइंट क्या लगा, माइनस पॉइंट ये था कि इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम। देख सकते हो इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, इतना लिपस्टिक नहीं है, बस ये जो थोड़ा फुला सा लग रहा है ना, बस इतना में ही लिपस्टिक है, मतलब कि इतना, बस इतना, इतना सा है, इतना। तो 2 ml आप सोच सकते हो कि कितना होगा, तो वो क्वांटिटी वाइज मुझे बहुत ही कम लगा। और जो शेड है आपको मैं बताऊं, जो 2 शेड है एकदम मिलता जुलता शेड है, ये 2 शेड एकदम ज़रा सा 19-20 का डिफरेंस होगा गाइस, बट मुझे तो लगभग सेम ही लगे ये दोनों शेड, तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर देना है तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेड वो देते तो वो ज़्यादा बेटर होता। ये 2 शेड मुझे, एक तो ये दोनों शेड मुझे एकदम भी सूट नहीं किया है, मेरे फेस को ये वॉश आउट कर रहा था। और ये जो चारों जो शेड है ना, ये सभी स्किन टोन पर अच्छा नहीं लगेगा। जिनका बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन है उन पर ये बहुत अच्छा लगेगा, बट जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है उन पर बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ ये जो कलर है ना, ये अच्छा लग सकता है, बट ये तीनों कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वॉश आउट करेगा उनको। तो ये मुझे बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इसमें लगा। अगर इसमें ऐसा होता कि शेड हमें चूज़ करने के लिए मिलता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। अब क्या है कि हर लिपस्टिक हर किसी के स्किन टोन में मैच नहीं करता है, तो ये मतलब ही नहीं बनता है कि आप जो भी कलर उठा के दो वो हर किसी में सूट कर जाएगा। तो ओवरऑल मुझे ये लिपस्टिक अच्छी लगी है, उतनी ख़राब नहीं है, सिर्फ शेड का प्रॉब्लम है, बट मुझे ये अच्छा लगा। फॉर्मुलेशन बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो लिप्स पर बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं होता है, और इसका जो पिगमेंटेशन है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो जैसे मेरे लिप्स पे क्या है, थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, तो बहुत अच्छी तरह से इसने हाइड किया है, तो मुझे ये ओवरऑल अच्छा लगा है। सिर्फ शेड मुझे उतने अच्छे नहीं लगे हैं, सिर्फ ये जो 2 शेड है ना, ये वाला, ये 2 शेड मुझे अच्छा लगा है, ये 2 शेड मुझ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मुझे ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लगी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, तो आप डेफिनेटली इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये चारों कलर आपके स्किन टोन पर शूट करता है तो आप डेफिनेटली इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये छोटा सा रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर गाइज हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है गाइज, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर भी कर सकते हो। सो टिल देन, बाय बाय गाइज, टेक केयर।